अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजी मेथड ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सलीम है और आज की इस वीडियो में मैं आपको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ सके, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अपना रोल नंबर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, अब वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करेंगे। जब आप असाइनमेंट जो है उसको अपलोड करेंगे LMS पोर्टल पर, तब आप अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करेंगे, और जब आप अपनी असाइनमेंट फिजिकली सबमिट करवाएंगे तो उस वक्त भी आप अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा जब आप इम्तिहानात देंगे इम्तिहानात के अंदर भी आप रोल नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि रोल नंबर की जगह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। और इसके अलावा जब आप अपने ट्यूटर्स की लिस्ट चेक करेंगे उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और रोल नंबर स्लिप चेक करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ होगा, और अगर आप एडमिशन कंफर्मेशन चेक करेंगे उसके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करेंगे। यानी अब आपने अपने हर काम के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना है, और जो जारी तलबा हैं उनका रोल नंबर का सिस्टम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ही वो सिस्टम रोल नंबर वाला ख़त्म होगा जारी तलबा के लिए मैं आपको वीडियो बनाकर आगाह कर दूंगा। और अब जो है वो स्टूडेंट जिनको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर या यूज़र आईडी क्या होती है, तो जब आप अपना CMS पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तब आप यूज़र आईडी लिखते हैं वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 10 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। और वो स्टूडेंट्स जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पता नहीं है, और जो स्टूडेंट जिनको अपनी स्टूडेंट आईडी नहीं मिली, तो उसके लिए आप अपने इलाकाई दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी एक अपडेट। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।